दोस्तों आपने ओलंपिक के बारे में तो सुना ही होगा, तो दोस्तों आप भी ओलंपिक में प्रो कबड्डी को देखना चाहते हो तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दे लाइक। तो आज की इसी वीडियो में इसी पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि प्रो कबड्डी जो कि काफ़ी पॉपुलर कबड्डी है, जो कि अब कबड्डी को काफ़ी निखार रही है प्रो कबड्डी के लिए, तो अब कबड्डी हमें ओलंपिक के खेल में कैसे दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये जानने के लिए चैनल इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यानी कि सुनील तलेजा सर को तो आप जानते होंगे जो कि प्रो कबड्डी के कमेंटेटर है, जो कि काफ़ी बड़े स्पोर्ट ज्ञानी हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, यानी कि प्रो कबड्डी के एक इंटरव्यू में बताया है कि यहाँ पर अगर 52 देशों का सपोर्ट कबड्डी को मिल जाता है तो यहाँ पर प्रो कबड्डी यहाँ पर ओलंपिक के खेलों में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि ज़्यादा समय का भी नहीं है, सिर्फ 40 मिनट का है प्रो कबड्डी का गेम, यानी कि कबड्डी का गेम सिर्फ 40 मिनट का है, जो कि ओलंपिक के खेलों में मान्य हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हॉकी जैसा गेम भी प्रो ओलंपिक में मान्य है, तो यहाँ पर प्रो कबड्डी की लीग तो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि कबड्डी का खेल तो बहुत ही छोटा होता है, इसके लिए यहाँ पर याचिकाएँ जाहिर की जा रही है। यानी कि हमारे जो कि किरण रिजिजू है, जो कि फॉर्मर यहाँ पर स्पोर्ट के मैनेजर यानी कि स्पोर्ट के मिनिस्टर थे भारत के पिछले साल, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरा लक्ष्य सिर्फ कबड्डी को यहाँ पर ओलंपिक में ले जाना है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, प्रो कबड्डी या कबड्डी हमें ओलंपिक में जाती हुई दिखाई देगी? तो दोस्तों 52 देशों का यहाँ पर कबड्डी में सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर कबड्डी हमें इंक्लूड होती हुई दिखाई देगी ओलंपिक में, एंड यहाँ पर आप कबड्डी को सपोर्ट करते रहे ताकि कबड्डी हमें ओलंपिक में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।